हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ब्रेड रोल की रेसिपी। ये ब्रेड रोल हम लोग लेफ़्ट ओवर ब्रेड से बनाने वाले हैं आज। अक्सर जब हम कोई भी ब्रेड की रेसिपी बनाते हैं तो जो उसके साइड्स और उसके कॉर्नर्स है वो बच जाते हैं, तो वो जो ब्रेड के बचे हुए पार्ट्स होते हैं उसको वेस्ट करने की जगह हम लोग उसका ये टेस्टी सा ब्रेड रोल बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी और इंस्टेंट रेसिपी है, ये फटाफट बन के तैयार हो जाती है और जिसका टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तो फिर चलिए झटपट देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए है 1 kg यानी 1 किलो आलू, और ये जो आलू है इसको मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिया है। अब ये जो आलू है इसको बॉईल करने के बाद इसको पील करके सबसे पहले हम लोग इसको ठंडा होने देंगे, और उसके बाद इस तरह से एक दाल घोटनी लेकर मैं अब इसको मैश कर दूँगी। आप लोग इसको ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर पर, और चाहे तो मैश भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको मैश कर रही हूँ। आलू की क्वांटिटी आपको जितने रोल बनाने हैं उस हिसाब से लेने हैं, या फिर जितना ब्रेड आपके पास है उस हिसाब से लेना है आपको। तो आलू को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, और ये देखिए मेरे पास कुछ बचे हुए ब्रेड के टुकड़े हैं यहाँ पर। इनको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था इसीलिए ये थोड़े से कड़क भी हो गए हैं। अब इसको एक मिक्सी के जार में ऐड करके हम लोग सूखा ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर आपको खास ध्यान देना है कि जो आपका टम्बलर है वो सूखा होना चाहिए, उसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। इसको एकदम बारीक भी आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है, दरदरा भी आप इसको पीस सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको ग्राइंड करके इसके ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए हैं। अब ये जो आलू है इसमें ये ब्रेड क्रम्स हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्स की क्वांटिटी है वो आपको आलू के हिसाब से लेनी है। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच किसा हुआ अदरक लिया है मैंने यहाँ पे, और अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्ची जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और यहाँ पर एक बड़ी प्याज है जिसको मैंने ऑमलेट की प्याज हम लोग इस तरह से कट करते हैं एकदम फाइन वैसी कट कर ली है। अच्छा प्याज यहाँ पे ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर दिए। कसूरी मेथी से इसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 बड़ा चम्मच नमक हम लोग इधर ऐड कर देंगे, नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसको हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हमको ये चेक करना है कि ये अच्छी तरीके से बाइंड हो रहा है कि नहीं। अगर ये जो मिक्सचर है ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है तो आपको इसमें और ब्रेड क्रम्स ऐड करने होंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी भर के हरा धनिया बारीक काट कर इसमें ऐड कर दिया है, तो अब इसको हम लोग वापस से फटाफट मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर मैं अपने हाथों को ऑयल लगा के तैयार कर लेती हूँ, और ये जो आलू का मिक्सचर है इसको हम लोग एक रोल का शेप दे देंगे। आप लोग यहाँ पर इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, आप लोग इसको गोल टिक्की की तरह भी बना सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो इसको थोड़ा और लंबा भी कर सकते हैं, थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इसको शेप देना है वैसे आप लोग ये आलू के मिक्सचर को शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको रोल्स का शेप दिया है, ना ज़्यादा मोटा रखा है मैंने इसको, ना ही ज़्यादा पतला किया है। ये देखिए इस तरह के शेप में मैंने इसको तैयार किया है। तो अब इसी तरह से जो ये मिक्सचर है इसके सारे मैं रोल्स बना के रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे रोल्स रेडी कर लिए हैं। अब हम लोग इसकी जो कोटिंग है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 बड़े चम्मच मैदा लिया है। मैदा यहाँ पे मैंने 6 चम्मच लिया क्योंकि जो रोल्स मुझे फ्राई करने हैं वो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने जितनी क्वांटिटी के रोल्स बनाने हैं उस हिसाब से आपको मैदा लेना है। अब मैदे में मैं ऐड कर दूँगी 1 कप पानी, और इसको हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, इसमें मैदे का कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी का ये जो बैटर है वो तैयार होना चाहिए। अब ये जो रोल्स है इसको हम लोगों को फ्राई करना है, तो इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। इसको हम लोगों को डीप फ्राई करना है। अब ये जो रोल है इसको सबसे पहले तो मैं ये जो मैदे का पेस्ट है इसमें अच्छी तरीके से कोट कर लूँगी। ये जो रोल है इसको हम लोगों को दोनों ही साइड से मैदे में अच्छे से कोट करना है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ये जो ब्रेड क्रम्स है ये मैंने वैसे ही लेफ़्ट ओवर ब्रेड को ग्राइंड करके बनाया है। अब इसको हम लोग फ्राई करने के लिए कढ़ाई में छोड़ देंगे।
इसी तरह से ये जो सारे रोल्स हैं इसको एक एक करके आप लोग पहले मैदे में कोट करें, उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने जो गैस का आंच है उसको स्लो रखा है क्योंकि ये जो ब्रेड है ये जल्दी जल जाता है, तो स्लो फ्लेम पे ही हम लोग इसको पहले फ्राई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो ब्रेड रोल्स है ये अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे, इसको गोल्डन होने तक आपको फ्राई करना है। ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो अंदर आलू है वो ऑलरेडी पका हुआ है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से दोनों ही साइड से ये रोल गोल्डन हो गया है। अब इसको हम लोग पूरा जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको ड्रेन करके बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से एक पेपर पे मैं इसको प्लेस कर दूंगी ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो ये पेपर सोख ले। और इसी तरह से ये जो बाकी के रोल्स हैं इनको मैं सबसे पहले तो मैदे में कोट करके और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में रोल करके इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो लीजिए दोस्तों, हमारे गर्मा गर्म लेफ़्ट ओवर ब्रेड से बने हुए ब्रेड रोल्स बनके तैयार हो गए हैं। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसान ये रेसिपी थी, इसको बनाना बहुत ही आसान है। और ये जो रेसिपी, इससे आपके जो ब्रेड के टुकड़े बचे हुए हैं वो वेस्ट भी नहीं होते, उनका बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। और ये जो रोल्स है इसका टेस्ट खाने में वाकई बहुत अच्छा होता है। इंस्टेंट स्नैक है ये, रमज़ान में स्पेशली ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ट्राई करने के लिए। तो गाइज़ आप लोग भी ये जो रेसिपी है इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये ब्रेड रोल्स की रेसिपी कैसी लगी है। और दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं इस रमज़ान ट्राई करने के लिए तो उनको मेरे साथ ज़रूर शेयर करें नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल झटपट खाना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, गुड बाय।